सुमेरपुर थाना पुलिस ने मंडी गेट के पास चेकिंग कर वसूली कर रहे फर्जी एसडीएम को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार व एसडीएम का लोगो लगाने वाली बुलेरो गाड़ी को भी बरामद किया है। वहीं चालक मौके से भाग निकला। पुलिस ने फर्जी अधिकारी से 5400 रुपए भी बरामद किए हैं। एक बुलेरो गाड़ी काफी समय से उत्तर प्रदेश सरकार व एसडीएम का लोगो लगाकर क्षेत्र में भ्रमण कर वसूली का कार्य कर रही थी। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर गुरुवार शुक्रवार की रात गल्ला मंडी के पास हाईवे पर लाल नीली बत्ती जलाकर वसूली का काम किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर कस्बा इंचार्ज प्रमोद कुमार व फैक्ट्री चौकी इंचार्ज राम बाबू यादव भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और गाड़ी के पास पहुंचकर उसमें बैठे फर्जी एसडीएम से पूछताछ शुरू की तो वह मौके से भागने लगा। इस पर पुलिस ने उसे दौड़कर पकड़ा। पकड़े गए युवक ने अपना नाम अंकित सिंह निवासी चकेरी कानपुर बताया। थानाध्यक्ष भरत कुमार ने बताया कि पकड़े गए फर्जी एसडीएम ने अंधेरे का लाभ उठाकर भागे चालक का नाम हिमांशु गुप्ता निवासी चकेरी कानपुर बताया है। पकड़े गए युवक से 5400 रुपए नगद व गाड़ी बरामद हुई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार युवक को अदालत में पेश किया गया है। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी के दौरान कस्बा इंचार्ज प्रमोद कुमार, फैक्ट्री एरिया चौकी इंचार्ज राम बाबू यादव, कांस्टेबल नवीन यादव, सत्येंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। अंक 16 तारीख की देर रात को पुलिस को ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कुछ ट्रकों से वसूली की जा रही है। मौके पर जैसे ही पुलिस पहुंची तो पुलिस ने पाया कि एक व्यक्ति जिसने बुलेरो गाड़ी पर नीली बत्ती लगा रखी है और साथ ही एसडीएम का स्टिकर लगा रखा है, उसने वहाँ पर जो ट्रक जा रहे थे, गुजर रहे थे, उनसे वो अवैध वसूली कर रहा था और सूचना मिलते ही वो भागने का प्रयास किया। जब उसको पकड़ा गया और उससे डिटेल पूछताछ की गई तो उसमें ये बात निकल कर आई कि इस उक्त व्यक्ति का नाम अंकित सिंह पुत्र राम गोपाल सिंह, जो थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर का निवासी है, और इसने बताया कि ये इस तरह से फर्जी तरीके से अपने बुलेरो गाड़ी पर एसडीएम का स्टिकर और नीली बत्ती लगाकर विगत कुछ माह से ये वसूली का कार्य करता आया है और इसमें इसका एक सहायक भी प्रकाश में आया है। उक्त प्रकरण में थाने पर एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है अवैध वसूली की और धोखाधड़ी की धाराओं में, और इस एफआईआर के तहत इसको गिरफ्तार करते हुए इसको रिमांड ले लिया गया है और साथ ही इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी और इनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी।